स्टार्ट करेंगे आज का सेशन इसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि खुशखबरी कहेंगे कि सी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो अभी आपके सामने है सी की वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ लॉग इन का ऑप्शन आपको मिलेगा और ओ एम आर चेक करने का या की चैलेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसपे आप जाकर के जैसे ये जनवरी 2024 की चैलेंज इस पर उन्होंने एक नोटिस भी दिया हुआ है कि सात तारीख से दस तारीख तक यानी सात फरवरी से लेकर दस फरवरी तक आप क्या कर पाएंगे आंसर की चैलेंज कर पाएंगे अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत उनके हिसाब से दिया हुआ है तो एक्सपर्ट उसको चेक करेंगे एक फीस होगी पर क्वेश्चन और वो रिफंडेबल नहीं है अगर आपकी आपका जो आंसर है वो एक्सेप्ट होता है यानी आपने सही चैलेंज किया था कोई गलत निकलता है क्वेश्चन उस केस में ही सिर्फ आपकी रिफंडेबल होती है फी जो हर साल का सेम ही है देखिए सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए तो ओ एम आर और आंसर की को साइड बाय साइड बाई सा देख लेना है कि कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं अगर कोई ठीक से चेक कर लेता है तो एक उधर मुश्किल होता है अगर ऑफिशियल आंसर आंसर की की में में कोई परिवर्तन फाइनल आंसर की में ना हो हो तो या जाए तो, एक आध क्वेश्चन का इधर उधर नहीं तो अगर आप ठीक से आंसर की चेक करते हैं तो यही नंबर आपके फाइनल है आपको पता है अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो बयासी नंबर पे आपका सीट एट क्वालिफाइड है यानी क्वालिफाई कर चुके होंगे आप कोई भी इसमें मेरिट नहीं बनती है और नाइनटी मार्क्स पे आपका जनरल में सीटेट क्वालिफाइड है अब बात करते हैं रिजल्ट की क्योंकि जो बीपीएससी का एग्जाम है वो अभी आपकी फॉर्म फिलिंग वाली जो बात है वो अभी पेंडिंग है डी प्लस बी में तो समय है ही तब तक तो रिजल्ट वैसे भी आ जाएगा तो अगर हम बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट अगर नॉर्मली देखें पैटर्न को देखते हुए तो पंद्रह दिन अभी भी रिजल्ट लेता है आंसर की के बाद भी तो यानी पेपर हुआ था हमारा इक्कीस तारीख को और इक्कीस फरवरी तक हम मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट आएगा बट इस पर थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है या तो आप लोग भी ट्विटर से लेकर के या जहाँ भी ऑफिस में आप जा पा रहे हैं कोई लेटर ई मेल कर सकते हैं हम लोग भी देखेंगे क्या कर सकते हैं इस पर तो वो काम आप करें कि या तो बी में ये बात कही जाए कि भाई आप अपनी डेट एक्सटेंड कर लीजिए फॉर्म फिलिंग की या फिर सी में या सी के के हवाले से कोशिश की जाए कि भैया इसको थोड़ा सा आप जल्दी दे दीजिए रिजल्ट जिसकी संभावना मुझे कम लगती है बट पॉसिबिलिटी है ट्राई करना चाहिए बात रही चैलेंज की तो चैलेंज आपको नहीं करना चाहिए आपको अगर लगता है बहुत ज्यादा आपको श्योरिटी है आपके पास एविडेंस है तो आप ईमेल कर सकते हैं हिमांशी डॉट ई डी वन जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो हम लोग भी यहाँ से आपका चैलेंज करने में पूरी सहायता करेंगे अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है खुद भी मैं एक बार देखूंगी और जैसे आपका सी डी पी में तो स्पेशली आप टेंशन फ्री रहें कि अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो वैसे दिक्कत आती नहीं है इनकी आंसर की में बहुत रेयर ही चेंजेस होते हैं कम ही क्वेश्चन के तो चैलेंज तभी करना है जब आप ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास हो एनसीआर या किसी भी ऑथेंटिक किताब का कोई ऐसी टेढ़े मेढ़े पब्लिकेशन की बुक का नहीं ये आपसे मांगता नहीं है प्रूफ अपलोड नहीं किया जाता बट आपने वो चीज सच में वैसे पढ़ी हो तभी जाकर के चेंज हो पाएगा अदरवाइज कोई फायदा नहीं है चैलेंज का तो मेरी राय हमेशा यही रहती कि चैलेंज से आप बचें इंटरलैंड आपके पास बहुत ही अच्छा एक प्रूफ है